गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रिवीजन 3 ऑफ मैथ्स यूनिट 1. स्टूडेंट्स, इन दिस रिवीजन यू विल रिवाइज कंपेयरिंग नंबर मैचिंग 1 to 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपेयर नंबर इन ईच बॉक्स, सर्कल द बिगर नंबर. बिगर नंबर मीन्स बड़ा नंबर. ओके, आपको इन नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है और इनमें से जो बिग नंबर है उनको सर्कल करना है. ओके, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर को रीड करिए. दिस इज नंबर 3. सो आप नंबर 3 के लिए यहाँ कितने सर्कल ड्रॉ करेंगे, 1 2 3. आपने कितने सर्कल ड्रॉ किए, 3 सर्कल. ओके, नाउ द सेकेंड नंबर इज नंबर 8. नाउ यू विल ड्रॉ हियर 8 सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, अब स्टूडेंट्स आप देखिए ये कितने नंबर हैं, नंबर 3. नाउ यू विल कट फ्रॉम हियर 3 नंबर्स. ओके, और इसमें भी आप कितने कट करेंगे, नंबर 3. अब आप देखिए यहाँ पर कोई सर्कल लेफ्ट हुआ, कोई भी सर्कल नहीं बचा यहाँ पर. यहाँ पर सब सर्कल कट हो गए और यहाँ पर कितने सर्कल लेफ्ट हैं, 1 2 3 4 5. 5 सर्कल्स आर लेफ्ट हियर. सो तो ये डिजिट बड़ी है, बिग. नाउ द सेकेंड नंबर इज नंबर 10 एंड नंबर 7. इसका सेकेंड मेथड ये है बेटा कि आप काउंटिंग को पढ़िए, 1 से लेके 10 तक है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7. 7 आ गया, 7 कट. 8 9 10, 10 बिगर नंबर है, 10 को आप सर्कल करेंगे. अब आप इसमें देखिए कौन सा नंबर बिगर है, नंबर 11 या नंबर 15. नंबर 15 इज बिगर, यू विल सर्कल नंबर 15. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज टेक द ग्रुप विच हैज़ मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ड्रो अ सर्कल फॉर द ग्रुप विद लेस ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, टेक द ग्रुप विच हैज़ मोर नंबर. जिस कॉलम में आपको ज़्यादा ऑब्जेक्ट, आपको इसके लिए क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है. जिसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं आपको उसको क्या करना है, टिक करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल काउंट दीज ऑब्जेक्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. इन दिस कॉलम हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर हियर, 8 ऑब्जेक्ट्स. ओके, इन द सेकेंड कॉलम 1 2 3 4, ओनली 4 ऑब्जेक्ट्स आर हियर. ओके, अब आप बताइए किस कॉलम में मोर ऑब्जेक्ट्स हैं, हियर. तो मोर वाले में हमने क्या करना है, टेक, एंड लेस वाले में सर्कल. स्टूडेंट्स नाउ यू विल रिवाइज कंपेयरिंग नंबर बाय काउंटिंग. आपको इनमें भी नंबर को कंपेयर करना है और उसके लिए हम कौन से साइन लगाते हैं, दिस साइन या इक्वल्स टू. बेटा जो नंबर बिगर होता है हम उसकी तरफ फेस को ओपन रखते हैं. दिस इज़ अ क्रोकोडाइल फेस. ओके, क्रोकोडाइल फेस, जो नंबर बिग है हम उसकी तरफ फेस को ओपन रखेंगे. अब आप इसमें देखिए कौन सा नंबर बिग है, नंबर 11 या नंबर 2. नंबर 11 इज़ बिग, तो हम इसकी तरफ ये क्रोकोडाइल का फेस ओपन कर देंगे. ओके, इफ़ द नंबर्स आर सेम, अगर नंबर सेम है, इसमें भी नंबर 7 है और इधर भी नंबर 7 है, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू. ओके, अब आप इसमें देखिए दिस नंबर इज नंबर 3 एंड दिस नंबर इज नंबर 5. कंपेयर दिस नंबर्स, कौन सा नंबर बिगर है इनमें. आप इस काउंटिंग में देखिए 1 2 3, एक नंबर 3 दिया हुआ है और एक नंबर 5 है, तो आप देखिए कौन सा नंबर बिगर है, नंबर 5. तो हमें क्रोकोडाइल का फेस कहाँ ओपन करना है, बिगर नंबर की तरह. ओके, ऐसे ही आप ये सब वर्क कंप्लीट करेंगे अपना. इन वर्कशीट नंबर 26 यू विल रिवाइज कंपेयरिंग नंबर बाय काउंटिंग.
सर्कल द बिगर नंबर एंड स्ट्राइक आउट द स्मॉलर नंबर। आपको क्या करना है, बिगर नंबर को सर्कल करना है। इनमें से देखिए बिगर नंबर कौन सा है, 20 या 10? यस 20, 20 इज बिगर नंबर। सो यू विल सर्कल द बिगर नंबर एंड स्ट्राइक आउट द स्मॉलर नंबर। ओके, आप इसमें बिगर नंबर को सर्कल करेंगे और स्मॉलर नंबर को स्ट्राइक आउट कर देंगे। और स्टूडेंट्स, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, कलर द डंकी, ओके, ओनली आफ्टर यू आर डन, जब आप कंप्लीट करेंगे तभी आप इस डंकी में कलर करेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ यू विल रिवाइज अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। सबसे पहले आपको स्मॉल नंबर लेना है, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर सबसे बिग नंबर। ओके, अब ये नंबर्स आपके दिए हुए हैं, आप देखें इसमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। ओके, नंबर 3, नंबर 12, नंबर 6 या नंबर 11, कौन सा नंबर सबसे बिग है, नंबर सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, नंबर 3। तो आप सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल नंबर को लिखेंगे। ओके, 3 आपने लिख लिया, इसको आप कट कर दीजिए। अब आप इन 3 नंबर्स को कंपेयर करिए, इनमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, नंबर 6। ओके, नाउ कट इट। अब आपके पास कितने नंबर लेफ्ट हैं, 2 नंबर्स, नंबर 12 एंड नंबर 11। अब आप इसमें क्या देखेंगे, इन दोनों नंबर्स में स्मॉल नंबर कौन सा है, यस नंबर 11। ओके, नाउ कट इट। अब कौन सा नंबर आपके पास बचा, नंबर 12। तो स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सबसे स्मॉल नंबर लेंगे, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग। ओके, आपको इसमें क्या है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की तरफ आप आते हैं, 3, 6, 11 एंड 12। ओके, आपको इसमें भी ऐसे ही करना है, सबसे पहले आप स्मॉल नंबर लेंगे, फिर स्मॉलेस्ट से आप बिगेस्ट की तरफ जाएंगे। नाउ यू विल रिवाइज अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये ध्यान रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर जो होता है, जो मैंने अभी आपको रिवाइज कराया है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की तरफ आना है, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में आप फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ आएंगे। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बिगेस्ट नंबर लेना है। ओके, अब आप इसमें देखिए सबसे बिग नंबर कौन सा है, नंबर 20। ओके, अब आप इन 3 नंबर्स में देखिए सबसे बिगेस्ट नंबर इज नंबर 18। अब इन 2 नंबर्स में नंबर 15, देन नंबर 9। ओके, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आएंगे और असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कंप्लीट योर वर्कशीट्स। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर तक आप अपनी वर्कशीट्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।